जो अपनी बात कह रहे विजयलुंगा बंद है, लोकतंत्र जब खत्म होता है, तानाशाही की शुरुआत होती है, तो उसके बीच का पीरियड है ये। यहाँ से ही तानाशाही की तरफ देश जाएगा। आगे किस तरह से देख रहे हैं, आगे का क्या रहेगा? आगे का तो भविष्य और भी खराब रहेगा देश का। तानाशाही देश पर हावी होगी, अधिकारों का हनन होगा, देश के संविधान को ना मानने वाले सरकारी आदमी ज्यादा होंगे, जनता का शोषण होगा। नए संसद का उद्घाटन किया गया, उसको लेकर नया घर किसी का बने, वो देश का घर बना है, हम लोग को उस पर इतना जरूर। लेकिन उद्घाटन राष्ट्रपति करता तो ठीक लगता सब। टिकैत जी, अब आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? फिलहाल अभी आपको पुलिस ने रोक दिया है, आप यहाँ बैठे भी रहे काफी समय। अभी 4:30 बजे तक क्लियर हो जाएगी स्थिति सारी। और हरियाणा की किसान यूनियन ने यह फैसला लिया कि हम 30 तारीख में मीटिंग करेंगे और खाप पंचायत को हम इसका निर्णय छोड़ देंगे और हम 4:30 बजे तक इसका निर्णय ले लेंगे हम यहाँ वाली का भी, क्योंकि अभी ज़्यादा किसी से संपर्क नहीं हो पाए रहे, सब अपने मूवमेंट में हैं। जो मजबूत लोग हैं वे थानों में के अंदर बैठे, तो उन्हें मन की स्थिति नहीं पता। तो ये मूवमेंट स्टेट टू में जाएगा। ये जगह जगह जब डिमांड नोट होगी तो उसमें ये मुद्दा जुड़ता रहेगा हमेशा, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। अब जैसे कि सरकार ने जंतर मंतर से पहलवानों को वहां से हटा दिया गया है, तो क्या प्रतिक्रिया है? ये भी एक आंदोलन का हिस्सा है, प्रशासन को लगा होगा कि हटाना तो पूरा हटाया, लेकिन गलत चीज है। जब शांतिपूर्ण तरीके से कोई लोग बैठे हुए हैं तो उनको नहीं हटाना चाहिए। जो अपनी बात कह रहे विजयलुंगा बंद है, लोकतंत्र जब खत्म होता है, तानाशाही की शुरुआत होती है, तो उसके बीच का पीरियड है ये। यहाँ से ही तानाशाही की तरफ देश जाएगा। आगे किस तरह से देख रहे हैं, आगे का क्या रहेगा? आगे का तो भविष्य और भी खराब रहेगा देश का। तानाशाही देश पर हावी होगी, अधिकारों का हनन होगा, देश के संविधान को ना मानने वाले सरकारी आदमी ज्यादा होंगे, जनता का शोषण होगा। नए संसद का उद्घाटन किया गया, उसको लेकर नया घर किसी का बने, वो देश का घर बना है, हम लोग को उस पर इतना जरूर। लेकिन उद्घाटन राष्ट्रपति करता तो ठीक लगता सब। टिकैत जी, अब आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? फिलहाल अभी आपको पुलिस ने रोक दिया है, आप यहाँ बैठे भी रहे काफी समय। अभी 4:30 बजे तक क्लियर हो जाएगी स्थिति सारी। और हरियाणा की किसान यूनियन ने यह फैसला लिया कि हम 30 तारीख में मीटिंग करेंगे और खाप पंचायत को हम इसका निर्णय छोड़ देंगे और हम 4:30 बजे तक इसका निर्णय ले लेंगे हम यहाँ वाली का भी, क्योंकि अभी ज़्यादा किसी से संपर्क नहीं हो पाए रहे, सब अपने मूवमेंट में हैं। जो मजबूत लोग हैं वे थानों में के अंदर बैठे, तो उन्हें मन की स्थिति नहीं पता। तो ये मूवमेंट स्टेट टू में जाएगा। ये जगह जगह जब डिमांड नोट होगी तो उसमें ये मुद्दा जुड़ता रहेगा हमेशा, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। अब जैसे कि सरकार ने जंतर मंतर से पहलवानों को वहां से हटा दिया गया है, तो क्या प्रतिक्रिया है? ये भी एक आंदोलन का हिस्सा है, प्रशासन को लगा होगा कि हटाना तो पूरा हटाया, लेकिन गलत चीज है। जब शांतिपूर्ण तरीके से कोई लोग बैठे हुए हैं तो उनको नहीं हटाना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।